और आज जिस मकान पर जाकर मैं खड़ा हूँ आप लोगों की सेंटर यहाँ पे जो आज टॉपिक है वो क्या है रिविजनल ऑफ जेंडा जो इसके राइटर का नाम है एंथनी और इसके राइटर का नाम है जिसमें तीन जगह है पहले तो बलिस्टन जिसमें रॉबर्ट जो कि नॉवेल लिखा है हीरो इसके बाद इसके भाई है रॉबर्ट और उनकी भाई जैसे लिखा है भाभी है इन दोनों में यहाँ इन दोनों में ये तीनों क्या रहते हैं यहाँ पे रहते हैं इसके बाद यहाँ पे रेड एरिया जिसके बादशाह कौन है लाल इसके लॉयल फ्रेंड स्ट्रेट और कलर स्टेप जो कि लीगल एडवाइजर है यहाँ पे और कमांडर और प्रिंसिपल एरिया है जो कि यहाँ के सिद्धार्थ जी और जेंडा जिसका यहाँ पे बहुत नाम है इसके यहाँ पे बादशाह कौन करते हैं यहाँ पे जिसकी सल्तनत है यहाँ पे ग्रेट फाइटर है इसके रॉकेट है सर्वेंट और जॉन वॉल्फ है और इसके भाई मैट और जो के जॉन के क्या है भाई अब यहाँ पे ये है अब बात होती है यहाँ पे बर्लिंगटन से जहाँ पे रिसेंडर और स्टीव की फैमिली यहाँ पे रहती है अब इसके भाई और भाभी क्या है इसके काफ़ी परेशान है इनकी चीज़ों से इसके क्या है ना कोई काम करते हैं ना कुछ करते हैं अब ये परेशानी में है और रिसेंडर इसको जवाब दे देते हैं कि जब तक पूरे दुनिया में जो बादशाह है वो उनकी दाल पोछी नहीं हो जाती जब तक क्या करेंगे ये कुछ भी काम नहीं करेंगे और ये यहाँ पे ब्लैक फाइटर से मिलने के लिए ये काम पे सारे मुल्कों से फ्रांस बेल्जियम डेस्कॉन और डेस्कॉन से होते हुए ये काम पे पहुँचते हैं ब्रिटेनिया में पहुँचते हैं और इससे पाकर इनकी ब्लैक फाइटर से मिलने से पहले इनकी मुलाकात किससे हो जाती है किंग से हो जाती है और किंग से जब ये मिलते हैं और किंग और सेंट्रल के बीच में मुशाइबत होती है हर चीज की ये स्पेस के लिहाज से हर चीज के लिहाज से क्या रखते हैं दोनों मेच होते हैं सिर्फ इनका एक फर्क होता है क्या होता है ये जो डिफेंडर है इनकी दाढ़ी है और इनकी जो किंग है चीज की क्या नहीं है दाढ़ी नहीं है इनका सिर्फ फर्क एक ही है अब जब ये किंग से मिलते हैं तो पता चलता है ये जो इनका सोते था भाई किंग का ये क्या है ब्लैक फाइटर जो इनका सोचिए नहीं चाहते कि क्या बने बादशाह बने इनकी कार कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते जब को पता चलता है और चार पोस्टिंग है बिल्कुल एक ही पेरेंट के जो किंग होते हैं ये वे पिछले होते हैं किसी की टेंशन कुछ भी नहीं होते हैं शराब की क्या होते हैं काफ़ी आदि होते हैं जो ब्लैक फाइटर काफ़ी वहाँ ट्रेनिंग कर करके ट्रेनिंग करके क्या करते हैं किंग रूडल्फ को शराब गिफ्ट करते हैं बिल्कुल एक दिन पहले और ये बिल्कुल शराब पी के क्या हो जाते हैं बेहोश हो जाते हैं जब ये बेहोश हो जाते हैं तो आप तकलीफ में तो जाने की बिल्कुल काफ़ी नहीं होते जब ऑब्जेक्ट और कलर स्टेप की रिक्वेस्ट पर इनकी गुजारिश पर जब रिजेंडर को सब कुछ बातें बताई जाती हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप बात पोस्ट में क्या करें शिरकत करें और जो बातचीत की जगह पे क्या करें आज एक्सम करें और इनकी रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरी दाढ़ी होती है बिल्कुल क्या कहा जाता है रिक्वेस्ट करते जाइए कर दो कटवा दो सब कुछ हो जाते हैं और ये कार पोस्टिंग में जो तकलीफ होती है वहाँ पे चले जाते हैं जो बादशाह की जगह पे क्या कर देते दाल पहन देते जब ब्लैक फाइटर देखते हैं तो काफी वो रहते हैं टेंशन में आ जाते हैं कि भाई जब किंग को हमने अपने जेंडा में कैद कर दिया है इसको शराब पे आके बेहोश कर दिया है तो अब यहाँ पे जो आया है वो ढेर कौन अब ये काफी क्योंकि इसकी जो सोच होती है काफी सोच इसकी नेगेटिव होती है हर चीज से क्योंकि उसका जो मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेनिया का बादशाह बनना होता है चाहे जायज तरीके से चाहे नाजायज तरीके से क्योंकि अब जब ब्लैक फाइटर को पता चलता है तो काफी अपने तरीकों से मालूम भी करवाता है कि ये आके दे क्या इसके बाद जब जो रिफेंडर है इसने ताज तो ले लिया बादशाह तो बन गया अब इसका काम बढ़ गया क्यों एक तो इसको लोगों की खिदमत भी करनी है और दूसरा जो असल बादशाह है उसको ढूंढ के उसका ताज जो उसकी खांसी जो उसको क्या करने वापसी उसकी देनी है अभी काफी वो उसमें भी लग जाते हैं कि काफी आदत भी हो जाते हैं सोच भी हो जाते हैं जो प्रिंसिपल बिहेवियर होती है ये मजबूरन शादी तो करना चाहती है किंग से क्यों जो ब्रिटेनियन के जो लोग हैं उनकी खाती शादी तो कर लेती है लेकिन एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन इससे प्यार नहीं करती आदतों के लिहाज से प्यार किससे करती है
कौन कह रहा है, हर चीज पता होती है। इनको जब पता होती है तो ये सारी बातें डेली में किसको बता देती है, दूसरे जन को जाकर बता देती है, जिसके आपके बादशाह को कहाँ रखा गया, किसने रखा, कैसे रखा। तो बादशाह को सब हर चीज पता, दूसरे जन को हर चीज पता चल जाती है, जिसके बीच इसमें वाक्य ये हो जाते हैं कि जो इसका रुपेट है, जो इसका सर्वेंट है, किराए का गुंडा है, जो कि काफी चाला और उसके छह गुंडों में से सबसे टॉप पे है, सबसे अहम है, तो वो क्या करते हैं, मेडल को इसका जो शौक होता है कि कोई फ्लैट करना है, चीज करना है, उसका काम होता है, तो इस मेडल से क्या करता है, इसको तंग करता है, इसको छेड़ता है, जिसकी गुलाब में जब माइनर की चीज पता चलती है, दोनों के बीच में क्या हो जाती है, जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। जब दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो जिसकी तरफ में माइनर क्या हो जाता है, मर जाता है, रुपये क्या को मर जाता है, और रुपये क्या हो जाता है, भाग जाता है। और जो सेंडर होता है वो क्या करता है, बादशाह को जेंडा को चुरा के रोकते हुए उसकी जो सल्तनत होती है उसको क्या करके लेके वापसी जेंडर पर नजर आ जाते हैं। अब कभी कभी जो सेंडर जब मिलने आता है बादशाह से, यहाँ पे उनके जो दोस्त थे फ्रेंड और जनरल जेफ थे, तो उनके मिलने क्या करते हैं, वापसी अपने चला जाते हैं। लेकिन वो स्टाफ का भी किसे नहीं मिलता, प्रिंसिस विलेजर को, हालांकि विलेजर को पता होता है कि जो सेंडर आया है और बिना मिले वो क्या कर गया, वापसी चला गया। लेकिन वो क्या करती है, साल के हर साल के वो क्या करती है, उसको कार्ड या फिर लेटर भेजती है, जिससे वो साबित करती है कि अभी का वो फीलिंग या वो जज्बात अभी तक उनके दिल में मौजूद है। तो ये आप लोग कुछ की कुछ कहानी होगी नॉवेल की, जिसमें कुछ बातें हुई। अब आप लोगों को